जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी बन रही है, मैं बता दूँ, खड़े चने, यानी कि हरे जो चने होते हैं वो खड़े चने की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसके तो थोड़ा टाइम लगता है, पीस के बनाऊंगी किसी दिन, लेकिन अभी आज मैं खड़े चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि इन्हें ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है, क्योंकि इस समय हरे चने आ भी रहे हैं, और नहीं तो फिर इसके बाद मतलब कटाई वटाई शुरू हो जाएगी तो बंद हो जाएंगी, तो इस समय अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने कहा सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ बन रही है हमारी सब्ज़ी, और मैंने आलू काट के रख लिए हैं, तो इसी में डालूँगी। और अब हो रहा है दोपहर का 3:30 बजे का टाइम, तो यहाँ मैं आ गई हूँ सारे कपड़े उठाने, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो मैंने कपड़े तो सब डालते ही डालते सूख जाते हैं, क्योंकि धूप इस समय निकल रही है तेज़, और फिर और हवा वगैरह चलती है, तो यहाँ वहाँ कपड़े उड़ते और हैं, नीचे जाने का भी डर रहता है। वैसे मैं क्लिप लगा के जाती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कपड़े ऐसे रह जाते हैं जो विदाउट क्लिप के यहाँ डले रहते हैं, तो उड़ने लगते हैं, तो मैंने कहा इनको रख जाऊं, लेकिन धूप में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। देखिए मैंने सिर में पल्लू डाल रखा है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो इन्होंने कहा कि आज मॉल चलना है, यानी आज इनके लिए लाने हैं कपड़े, तो मैंने कहा ये कपड़े वगैरह मैं उठा के रख जाऊं, रही तह करने की तो आके कर लूँगी, लेकिन अभी ये कपड़े वगैरह रख लूँ मैं। तो चलिए सारे कपड़े उठा लेते हैं, इन्हें नीचे पहुँचा देते हैं, और देखिए हमारे किट्टू बिट्टू मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, बस मैं अगर इनके पास आई ना तो ये मेरे पीछे देखिए, मतलब कभी कभी इतना उछल के ऊपर आ जाते हैं, मतलब साड़ी की तरफ। तो बस मैं जाएँ जल्दी से कपड़े रख दूँ और रेडी हो जाऊँ उनके साथ जाने के लिए। और यहाँ देखिए जो फर्नीचर का काम चल रहा था, ये रैक बना के रख गए हैं, जो कि इस अलमीरा में फिट करेंगे। अभी इनके ड्रॉवर नीचे लगेंगे, और साइड में जो अलमारी लगेगी इस साइड में, इसलिए इसको बना के रख के गए हैं। और धूप तो बहुत तेज है, लेकिन अब निकलना है भाई, कोई काम है तो करना तो है ही, पर शाम के टाइम घर का भी काम बहुत हो जाता है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। चलिए रेडी वगैरह होते हैं। सो फ्रेंड्स, इनकी आज बहुत मन में है कि मुझे मॉल जाना है कपड़े खरीदे, तो लेकिन इतनी धूप तेज हो रही है कि जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अब जाना तो है ही, फिर टाइम भी नहीं देता, शाम को फिर घर भी आना है, तो अब इसके लिए अपने स्किन भी प्रोटेक्ट करनी है, ताकि सनटैनिंग से, सनबर्न से अपने आप को बचा सके। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाए हैं प्रोडक्ट, मैंने मामाअर्थ के प्रोडक्ट मंगवाए हैं जो कि मैं यूज कर रही हूँ, देखिए। सो फ्रेंड्स, मामाअर्थ ने लॉन्च की है विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन विथ विटामिन सी विथ टर्मरिक के SPF 50 फॉर सन प्रोटेक्ट एंड ग्लो, मेड एंड सेफ है, डर्म टेस्टेड है, और सबसे अच्छी बात है ऑल स्किन टाइप के लिए है, और ये सनस्क्रीन के साथ साथ हमारा ग्लो भी बरकरार रखता है। और इसे फ्रेंड्स आपको अपने फेस में, नेक में, आर्म में यूज़ करना है इस तरीके से, और सबसे अच्छी बात है बिल्कुल भी ग्रेजी नहीं है ये, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, एकदम ऑब्जर्व हो जाती है। और फ्रेंड्स, जो मामाअर्थ ने सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये जेल फॉर्म में है, जिन्हें क्रीम फॉर्म में पसंद बिल्कुल भी नहीं है वो इसका यूज़ कर सकते हैं, राइस सनस्क्रीन जेल, और देख लीजिए SPF 50 है, और B3 फॉर UVA प्रोटेक्शन, और मेड ऑफ सेफ है, डर्मेटाइज टेस्टेड है, और ऑल स्किन टाइप है, जिन्हें क्रीम फॉर्म नहीं पसंद वो इसका यूज़ कर सकते, बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है चेहरे में, नेक में, आप हैंड में कहीं भी लगाइए, और बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं हो। और मैं इसका भी यूज़ करके दिखाती हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी वेज। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अब थर्ड प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, मामाअर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन क्रीम विथ कैरेट सीड एंड टर्मरिक के, और ये SPF 50 है, फॉर सन प्रोटेक्शन है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, और सबसे अच्छी बात है ये इसमें किसी प्रकार का हार्मफुल केमिकल का किसी में भी यूज़ नहीं किया गया, सिलिकॉन और पैराबिन फ्री है। तो चलिए मैं इसको अभी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। और जो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं होता है, तो आप सेफ हैं इस चीज़ से। देखिए जहाँ आप जाना है तो इस तरीके से लगा के जा सकते हैं। सो फ्रेंड, मामाअर्थ की एक खास बात और है कि मामाअर्थ के कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं विद द ट्री दैट दे प्लांट के, जो कि 2025 तक इनका 1 मिलियन प्लांट का टारगेट है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ फ्रेंड्स, स्क्रीन में दिया गया मेरा कूपन कोड का यूज करके आप कोई भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा,
और ममट के प्रोडक्ट ना आपको ममट की वेबसाइट ऐप पर तो अवेलेबल है ही, अदर एमेजॉन फ्लिपकार्ट पर नायका यहाँ भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से चेकआउट करके आप परचेस कर सकते हैं। और ममट के प्रोडक्ट ना आपको ऑफलाइन नियर बाई स्टोर में मिल जाएंगे, वहां से जाके भी आप परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे जाना है अभी इनके साथ मॉल में। फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। देखिए आज मार्केट से क्या क्या लेके आ पाते हैं। बहुत सारा सामान तो छोटा छोटा काफ़ी लेके आना है लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता, लेकिन अब निकल के जा रहे हैं, देखते हैं। चलो हो गए तैयार, चलो गोर लाना हो गई है गोर। मम्मी जा मेरे चल। तो बस मैं अपने हो गई हूँ स्लीपर और बस चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ आ गई हैं मॉल में और जा रही हूँ आज कुछ खरीदारी करने। चलिए चलते हैं, चलो बाल्टी ले चलो ना। आया वो तो कवर कर लिया है, चलिए और कवर कर ले, देख लेते हैं आप जो कितनी पेज है। चलते हैं आ जा, और अब हम जा रहे हैं ऊपर फ्लोर में क्योंकि जितने भी जेंट्स वियर है वो सब ऊपर ही है। तो थोड़ा मैं कपड़े बच्चों के लिए भी देख लूँगी, इनके लिए भी देख लूँगी। चलते हैं ऊपर, फिर ऊपर का कलेक्शन आप लोग को दिखाती हूँ। कहाँ आता है और यहाँ देखिए मैं सबसे ऊपर फ्लोर में आ चुकी हूँ। यहाँ किड्स वियर मेंस वियर सब लगे हुए हैं और यहाँ देखिए ये अपने कपड़े अपने लिए छांट रहे हैं। और सबसे बड़ी ये ना जब ये कपड़े लेते हैं तो ये डाउटफुल बहुत रहते हैं, इनको ये पसंद है फिर ये पसंद है, मतलब एक पे फिक्स नहीं रहते, इसलिए मुझे इनके साथ आना होता है। तो यहाँ देखिए छांट रहे हैं अपने लिए कपड़े, मैंने कहा तो ये अपने लिए देख रहे हैं तब तक बच्चों के लिए देख लूँ, देखते हैं कितना कैसे छांट पाते हैं। तो ये बोले थे कि नहीं पैंट मेरे लिए तुम ही देखो, तो देखिए यहाँ मैं देख रही हूँ उनके लिए पैंट। पहन के भी चेक कर रहे थे कि ठीक लग रही है क्या। तो चलिए हमारी हो गई खरीदारी और अब मैं आ गई हूँ वहाँ शॉप पे क्योंकि मुझे झाड़ू वगैरह डस्टबिन है ऐसी चीज़ मुझे लेनी थी। तो यहाँ मैं इस दुकान में आ गई हूँ, तो यहाँ भैया दिखा रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स यहाँ मैं घर आ चुकी हूँ, तो बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मा क्या क्या है दिखाओ, मैंने कहा दिखाऊंगी बाद में, अभी मैं थोड़ा गाय का चारा वगैरह लगा लूँ काम कर लूँ इसके बाद में दिखाऊंगी। पापा भाई के कपड़े दिखा देती हूँ, तो यही सब है। तो हो गई मेरी शॉपिंग, लेकिन गोलू है हमारे लौट लौट के बुलाते हैं, कहते मम्मा दिखाओ मुझे पहले। तो ये एक झोला तो बाहर ही रखा हुआ है, मैंने कहा ये पापा के कपड़े हैं आपका अलग रखा हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगी। और खाना वगैरह सबका हो चुका है, तो यहाँ मैं छील रही हूँ चने। मैं बता दूँ सुबह बनाए वो कल जो छीले थे उसकी खड़े आलू चने की सब्ज़ी बनाई है और इनको मैं पीस के बनाऊँगी। तो मैंने कहा छील के रख लेती हूँ क्योंकि छीलने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ मैं छील रही हूँ और मैं इनको बुला रही थी, बच्चों को भी बुला रही थी लेकिन बच्चे जाके सो चुके हैं। अगर ज़्यादा लोग बैठ के छीलते हैं ना तो जल्दी छिल जाते हैं, और एक लोग छीलता है तो उसी हिसाब से ही छीलते हैं। मैंने कहा हो गया चलिए, तो मैं छील रही हूँ। मेरा हो रहा था सिर में दर्द, मैंने टैबलेट भी खाई उससे भी नहीं मुझे आराम लग रहा था। तो यहाँ मेरे अभिषेक कर रहे हैं चम्पी तेल लगा के, बोले मम्मा कुछ आपको आराम मिल जाएगा। सो गया था लेकिन जब उसने देखा कि दर्द हो रहा था उठ के आ गया। तो यहीं पे करती ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।